तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ की सीबीई सेशन 2024-25 की वर्कशीट नंबर 11 के सॉल्यूशन को दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले हिंदी, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस की वर्कशीट 12 तक का सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है दोनों मीडियम में। कॉमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो, ठीक है। मिड टर्म पेपर की प्रैक्टिस के लिए मैथ की ऑल सब्जेक्ट अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख सकते हो, कमेंट को चेक कर लो, अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन है, एन ऑडिट इज़ एन ऑफिशियल चेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ ए कंपनी। इट इज़ डन एन ऑथराइज्ड पर्सन हु इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। द पर्सन हु डज द ऑडिट इज कॉल्ड एन ऑडिटर। एन ऑडिटर चेक्स द एक्सपेंसेस एंड इनकम मेड बाई द कंपनी एवरी ईयर। महेश ऑडिटेड ए कंपनी विद 60 एम्प्लॉयज। द कंपनी रिकॉर्ड शो दैट इट्स एनुअल टर्नओवर एनुअल रिकॉर्ड इज दिस रुपीज एंड ड्यू टैक्सेस हैव बीन पेड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स। हिंदी में देखो, ऑडिट किसी कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड की आधिकारिक जांच को ऑडिट कहा जाता है। यह एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कंपनी का कर्मचारी नहीं है। जो व्यक्ति ऑडिट करता है उसे ऑडिटर कहा जाता है। एक ऑडिटर हर साल कंपनी द्वारा किए गए खर्चों और आय की जांच करता है। महेश ने 60 कर्मचारियों वाली एक कंपनी का ऑडिट किया। कंपनी के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस कंपनी की वार्षिक टर्नओवर यानी कि वार्षिक आय इतनी रुपये है और सरकारी मानदंडों के अनुसार निर्धारित टैक्स यानी कि कर का भुगतान किया गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, महेश ऑब्जर्व दैट 2/5 ऑफ द एम्प्लॉयज हैव एन एनुअल सैलरी ऑफ लेस देन 4 लाख रुपीज़। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग एन एनुअल सैलरी मोर देन और इक्वल टू 4 लाख रुपीज़ इज। हिंदी में क्वेश्चन देखो, महेश ने पाया कि 2/5 कर्मचारियों का वार्षिक वेतन 4 लाख रुपये से कम है। 4 लाख रुपये या उससे अधिक वार्षिक वेतन वाले कर्मचारियों की संख्या है। तो ध्यान से देखो, टोटल कर्मचारी 60 हैं। 60 का 2/5 निकालेंगे जो कि 4 लाख से नीचे वेतन ले रहे हैं। उसके बाद में जितना आएगा उसको हम 60 में से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि 60 लाख से ऊपर वेतन वाले कितने कर्मचारी हैं। ओके, आंसर 1। सबसे पहले हम 60 का 2/5 निकालेंगे तो हो जाएगा 2/5 × 60। 5 से कट करो, ये आ जाएगा 12। 12 × 24 आ गया, ठीक है। टोटल कर्मचारी कितने थे? 60। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ हायर पेड इम्प्लॉयज़ इंग्लिश में, हिंदी में अधिक वेतन वाले कर्मचारियों की संख्या। 60 में से हम 24 को माइनस करेंगे, 36 आ जाएगा जो कि बी ऑप्शन होगा। और इतने ही कर्मचारी 4 लाख या 4 लाख से ऊपर सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस ईयर द कंपनी स्पेंड 20% ऑफ देयर इनकम ऑन ऑफिस मेंटेनेंस, 40% ऑन पेइंग सैलरीज टू देयर एम्प्लॉयज एंड 10% ऑन मिसेलिनस थिंग्स इंक्लूडिंग टैक्सेस। द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज द प्रॉफिट गेन्ड बाई द कंपनी। द प्रॉफिट इन रुपीज अर्न बाई द कंपनी दिस ईयर इज। हिंदी में देखो क्वेश्चन, इस वर्ष कंपनी ने अपनी आय का 20% कार्यालय रखरखाव पर, 40% अपने कर्मचारियों को वेतन देने पर और 10% विविध चीज़ों करों सहित पर खर्च किया। बाकी रकम कंपनी को हुआ लाभ है। इस वर्ष कंपनी द्वारा अर्जित लाभ रुपए में है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 2। सबसे पहले टोटल स्पेंट निकालेंगे यानी कि कुल खर्च किया गया, तो 20%, 40% और 10% कितना हो गया? 70%। हम प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो 100 में से 70% को माइनस करेंगे, 30% हो रहा है यानी कि 30% का लाभ हो रहा है। तो टोटल अमाउंट का 30% हम निकालेंगे यानी कि टोटल अमाउंट लिखेंगे इनटू 30 और परसेंट के नीचे आएगा 100, ठीक है। अब 2 जीरो कट जाएगा, 30 का इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन 3 है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स ए कंपनी हैज़ ए पे ए टैक्स ऑफ 6% ऑफ द टोटल एनुअल इनकम। महेश सेड द टैक्स अमाउंट पेड बाय द कंपनी दिस ईयर इज 1/3 द अमाउंट पेड लास्ट ईयर। द टैक्स इन रुपीज पेड बाय द कंपनी लास्ट ईयर वॉज। हिंदी में देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, सरकारी नियमों के अनुसार किसी कंपनी को कुल वार्षिक आय का 6% कर देना होता है। महेश ने कहा कंपनी द्वारा इस वर्ष भुगतान की गई राशि पिछले वर्ष भुगतान की गई राशि का 1/3 है। पिछले वर्ष कंपनी द्वारा भुगतान किया गया कर यानी रुपए में कितना था? तो यहाँ टोटल एनुअल इनकम पर फोकस करना, ठीक है ना। इसका हम 6% पहले निकालेंगे, यहाँ पर 6% की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको
इस अमाउंट का 6% निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 6/6, परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, गुणे ये नंबर लिख देना, 2 0 से 2 0 यहाँ पर आपको कट कर देना है, बचा हुआ नंबर जो है इसका 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर आएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं 1/3 की बात करें, यानी 1/3 की बात कर रहे हैं, तो 1/3 मीन्स 3 times more, यानी 1/3 का मतलब 3 गुना ज़्यादा होगा, ये रकम 3 गुना ज़्यादा होगी, तो इसी नंबर में हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपके समझ में नहीं आया 3 से गुणा क्यों किया गया, तो स्टार्टिंग में बोला गया था जो 6% है वो 1/3 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1/2 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 का किससे गुणा हो जाएगा, 3 का, तो यहाँ पर भी 6% के हिसाब से जो रकम आ रही है उसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्लियर है। तो वहीं यहाँ पर 3 से किया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में भी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।